हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 11 के सेक्शन 149 से सेक्शन 153 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही छोटे सेक्शन और इजी सेक्शन है। इसमें सेक्शन चैप्टर 11 कहता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। पुलिस को सुरक्षात्मक जो बचाव है, वो एक्शन है, वो कैसे करना चाहिए, उसको क्या क्या राइट दिए गए कि वो इसके लिए तुरंत एक्शन करे। तो उसमें कहा गया सेक्शन 149 में कि पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस वहां पर होने वाला है तो वह तुरंत, या हो रहा है तो तुरंत उस पर एक्शन करेगा। पुलिस ऑफिसर इंटरपोज, तुरंत उसमें हस्तक्षेप करेगा। कोई पुलिस अधिकारी उसके सामने अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस हो रहा है तो वह तुरंत क्या करेगा, इंटरपोज करेगा, तुरंत उसमें हस्तक्षेप करेगा एंड प्रिवेंटिंग और उसके बचाव के लिए कार्य करेगा विद बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंस। जो कॉग्निजिबल ऑफेंस है उसके लिए जिसकी उतनी बेस्ट एबिलिटी होगी, जितनी उसकी योग्यता होगी, अपनी क्षमता से, अपनी क्षमता के अनुसार उसको वो बचाव के लिए प्रयास करेगा। उसके लिए वो किसी आदेश की प्रतीक्षा नहीं करेगा। अगर वहां पर उसे खबर मिल जाती है और वहां पर वो मौजूद है तो उसे तत्काल कॉग्निजिबल ऑफेंस होने वाला है या हो रहा है तो उसको तुरंत अपने पूरी पावर के तहत उसको बचाने के लिए उसको हस्तक्षेप करने का राइट दिया गया है इस सेक्शन 149 के तहत। अब सेक्शन 150 के तहत क्या क्या है, इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजिबल ऑफेंस। अब इसमें क्या कहा गया, अगर कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस के लिए इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, कहीं से सूचना मिलती है, अभी तो क्या उसके सामने घटित हो रहा था, घटित होने वाला था, अब क्यों इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो इन्फॉर्मेशन तुरंत अपने ऊपर के अधिकारी को देगा। इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट टू सबॉर्डिनेट ऑफिसर एंड दैट्स ड्यूटी टू प्रिवेंट ऑफेंस। तो उस क्या करेगा, तुरंत अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर को तुरंत उसकी सूचना देगा और तुरंत उस कॉग्निजिबल ऑफेंस को बचाने के लिए जितना उसका पावर होगी उस पावर से उसको बचाने का पूरी तरह से प्रयास करेगा। सेक्शन 151 कहता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस। अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस है और वहां पर उसको पता महसूस हो रहा है पुलिस अधिकारी को कि अगर कॉग्निजिबल ऑफेंस हो जाएगा तो उसके लिए वह उस व्यक्ति को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। इफ पुलिस इंफॉर्मेशन फॉर कॉग्निजिबल ऑफेंस अबाउट टू हैपन, लगभग हो सकता हो ही जाएगा एंड कांट स्टॉप देन, और वो उसको रोक नहीं पा रहा है तो क्या करेगा, 151 के तहत ही कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, बिना वारंट के उसको अरेस्ट कर लेगा। उसमें वारंट की प्रतीक्षा नहीं करेगा कि वारंट उसको दिया जाए, मजिस्ट्रेट को दे या ऊपर अधिकारी से वारंट के वो उसको ले तब उसको अरेस्ट करेगा। तो विदाउट वारंट वो उसको तत्काल अरेस्ट कर सकता है, लेकिन अरेस्ट करने के बाद उसको 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रख सकता, उसके बॉन्ड भरवाएगा। वो जो उसके लॉ है इसके पहले बता चुके हैं, उसके बॉन्ड भरवाएगा, बॉन्ड भरवा कर रिलीज करेगा, नाम पता नहीं बताता तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगा। 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे से ज्यादा उसको रोकने का पावर नहीं होगा उसमें। अब सेक्शन 153-152 कहता है प्रिवेंटिंग ऑफ इंक्वायरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर क्षति होने जा रही तुरंत, तो फिर पुलिस का क्या कर्तव्य है, एनी पब्लिक प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो चल संपत्ति हो और चाहे अचल संपत्ति हो, और एनी पब्लिक लैंडमार्क या कोई मार्क हो, निशान हो, जो पब्लिक, जो सरकार के द्वारा लगाए गए उन निशान हो, उन निशान में से कोई भी ऐसी जो नुकसान करने के लिए जा रहा है या उसमें नुकसान हो सकता है, ऐसी कोई सूचना उसको मिलती है कि उस पर उसका नुकसान हो सकता है, उसका नष्ट हो सकता है, तो ऐसी दशा में पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए इसमें पावर दिया कि पुलिस तुरंत उस पर एक्शन ले सकती है और उसको रोकेगा अपने बल के अनुसार, अपने पावर के अनुसार उसको रोकेगा, और अगर नहीं रोक सकता तो उसको तुरंत अरेस्ट करेगा। ये इसमें सेक्शन 152 में दिया गया है। अब सेक्शन 153 क्या कहता है, इंस्पेक्शन ऑफ वेट्स एंड लॉस। जो मार्केट में हमारे बांट दिए गए हैं या
तौलने के समान है या नापने के समान है या मेजर करने के समान है, जैसे मीटर है और जैसे लीटर नापने का समान है या किलो और 1 किलो 5 किलो ये सब वेट है, अगर इनमें कोई त्रुटि पाई जाए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, इफ एनी पुलिस ऑफिसर इन एरिया, उस अपनी एरिया में इन हिज गॉट इंफॉर्मेशन फॉर फॉल्स वेट कि उसमें गलत तौल की जा रही है या गलत तरीके से तोलता है या उसके वेट में कुछ हेरा फेरी कर रखा है, उसके जो नापने का इंस्ट्रूमेंट उसमें कोई हेरा फेरी कर रखा है, मेजर्स एन इंस्ट्रूमेंट देन ही मे इंक्वायरी विदाउट वारंट, तो बिना किसी वारंट के वो उसकी जांच कर सकता, तत्काल पुलिस अधिकारी पहुंच जाएगा और पहुंच करके उसकी जांच कर सकता है एंड इफ ही गॉट, अगर ऐसा पाता है कि वाकई में उस इंस्ट्रूमेंट में कमी है, देन इमीडिएट इन्फॉर्म टू मजिस्ट्रेट, तो वह उसको लेकर के तुरंत मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा और वह उस पर एक्शन करेगा। इसमें सेक्शन 153 में उसको पावर दिया गया है। तो सेक्शन 149 में कहा गया कि तुरंत हस्तक्षेप कर सकता है कोई उसके सामने घटना हो रही है, और सेक्शन 150 में कहा गया कि कॉग्निजिबल ऑफेंस की सूचना मिलती तो ऊपर अधिकारी को दे करके एक्शन करेगा। 151 में कहा है कि अगर नहीं रोक पा रहा है वो तो उसको तुरंत अरेस्ट करेगा, अरेस्ट करके 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। 152 में कहा कि अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है और वो समझ रहा है कि इसको नुकसान कर देता है उसको तुरंत एक्शन करेगा विदाउट एनी वारंट। और 153 में कोई वेट है, नापने की चीज़ है या तौलने की चीज़ है या कोई लीटर या आधा लीटर 1 लीटर जैसे नापने का इंस्ट्रूमेंट है उनमें से कोई हेरा फेरी की जा रही तो विदाउट वारंट, इन सब में क्या है बिना वारंट के इमीडिएट एक्शन के बाद पुलिस को पावर दिया कि वो तुरंत एक्शन ले सकता है, अपने ऊपर अधिकारी को इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो वेरी इजी सेक्शन है सेक्शन 149 से सेक्शन 153 तक। अब इसके चैप्टर 12 में हम सेक्शन 144 से डिस्कस करेंगे, अब वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन से स्टार्ट होने वाले हैं, अभी तक इनिशियली सेक्शंस थे, अब 154 से इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाले हैं। तो ओके, थैंक यू, जय हिंद।